देखिए, कई लोगों ने जो है एफडी ऑनलाइन खोल तो ली होगी, लेकिन इसको बंद कैसे करना है किसी को नहीं पता। तो चलिए आज आपको मैं ऑनलाइन फटाफट से दिखाता हूँ कि एफडी को आपको बंद कैसे करना है। देखिए, सपोज मैंने ये एफडी खोल ली है और अब इसको मुझे तुरंत बंद करना है। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये एफडी जो है बहुत ही रिसेंटली खोली गई है, और जब आप अपने एफडी में व्यू करेंगे तो बाकी और डिटेल्स आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पर 4/7 यानी कि इसी महीने में ये एफडी बनाई गई थी, जुलाई में, और अब इसको मुझे तोड़ना है। तो किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी आ रही है, एफडी टूट नहीं पाती है ऑनलाइन और फिर उनको ब्रांच जाना ही पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पर। इसमें आप देखिए नीचे फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट में जाएंगे। इसमें देखिए एफडी ओपनिंग का ऑप्शन है और नीचे जो है एफडी क्लोज़र का ऑप्शन है। देखिए नीचे आइए, स्टार्टिंग से आप देखिए चौथे नंबर पे एफडी आरडी क्लोजर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लोज योर टर्म डिपॉजिट ओपन थ्रू ऑनलाइन चैनल इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली आप क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको सबसे पहले अपना एफडी जो है जो आपने ऑनलाइन ओपन किया है उसको उठाना होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑफलाइन जो आप एफडी खोलते हो जाके ब्रांच में, उसको नहीं तोड़ सकते, उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। अब ये एफडी देखिए, आपने इसको क्लिक कर लिया, ये आपका सारा डिटेल्स आ गया और मैच्योरिटी अमाउंट आ गया, लेकिन अगर आप अब इसको तुरंत तोड़ रहे हो तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। और नेट पेएबल अमाउंट देखिए 10,000 दिखा रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाँ ये 10,000 रुपीज़ दिख रहा है आपको। और रीपेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपका पैसा वापस जाता है। अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस आप अब इसमें रीज़न दे दीजिए कि आपको क्यों तोड़नी है एफडी। जो इच्छा हो रीज़न लिख दीजिए कि हमारा मन कर रहा है तोड़ने का, या फिर मेच्योर हो गई है, कुछ भी जो आपको समझ में आता है उसको आप रीज़न डाल दीजिए, और रीज़न डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो रीज़न डालने के बाद आप आगे जैसे ही बढ़ोगे आपसे पूछेगा कि आपका पिन क्या है, ठीक है। देखिए हमने लिख दिया हमारी मर्जी, आप भी ऐसे लिख दीजिए कुछ भी और प्रोसीड कर लीजिए। और कंफर्म करने के बाद ही इसमें एक बार डिटेल चेक कर लीजिए कि एफडी तोड़ने से आपको कितना पैसा मिल रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, और फिर वो आप कंफर्म कर दीजिए। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया। अब हमसे पिन मांगेगा, ट्रांजैक्शन पिन, जो किसी को बताना नहीं है। ट्रांजैक्शन पिन, इस 4 डिजिट के पिन को आप जैसे ही डालोगे आपकी एफडी टूट जाएगी और आपका जितना भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा इंस्टेंटली, सेविंग अकाउंट में। तो मैं जैसे ही मैंने देखिए पिन डाला इसमें, और ज़्यादा सा 2 सेकेंड का यहाँ पर वेट करना पड़ता है। ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर अकाउंट सक्सेसफुल, सक्सेस हो गया। और अब आपको मैं दिखाता हूँ सेविंग अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सेविंग अकाउंट खोलकर कि क्या हमारा पैसा अकाउंट में आया या कहीं और चला गया। तो देखिए माय अकाउंट में ये देखिए ये एफडी टूट गई, इसमें 0 बैलेंस दिखा रहा है। और अगर मैं सेविंग को देखूँ तो चलिए सेविंग अकाउंट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 10,000 रुपीज़ क्लोजर प्रोसीड्स, ये पैसा 10,000 जो मैंने एफडी बनाई थी 4/7 को, ये 10,000 रुपये तुरंत ये एफडी अकाउंट में वापस आ चुकी है।